नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मेरे सहयोगी परवीन कुमार। आज बात करेंगे कैथल जिले के दैनिक भास्कर के सर्वे को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में भाजपा टिकटार्थियों को लेकर एक सूची जारी की थी, जिसमें आप सभी से पूछा गया था कि दैनिक भास्कर के अनुसार, आपके अनुसार वो कौन कौन से टिकटार्थी हैं जो आपके पसंदीदा हैं या आपके मुद्दों पर खरे उतर सकते हैं। इनमें कलायत के टिकटार्थियों का भी जिक्र था, कैथल के टिकटार्थियों का भी जिक्र था, पुंडरी के टिकटार्थियों का भी जिक्र था और इसके अलावा भूला या कहें कि 90 विधानसभा के टिकटार्थियों का जिक्र था। और एक तरीके से इस सर्वे ने कैथल बैग न्यूज की पिछले दिनों रिपोर्ट, उसके एनालिसिस पर भी मुहर लगाई है। क्यों प्रवीण? बिल्कुल अजय, ये बात सही है कि पिछले लंबे समय से भास्कर ने एक ऑनलाइन सर्वे शुरू किया था और वो अलग अलग माध्यम से लोग उस पर अपने राय दे रहे थे कि किस कैंडिडेट को वो पसंद करते हैं या किस तरह का उम्मीदवार उनके बीच में इस बार बीजेपी से होना चाहिए। बिल्कुल। तो कैथल बैग न्यूज लगातार एनालिसिस करता रहा है, लगातार विश्लेषण करता रहा है, चाहे कलायत विधानसभा की बात हो या कैथल विधानसभा की बात हो, वो इस बात का जिक्र करता रहा है कि किस तरीके का कैंडिडेट लोग की मांग है इस बार यहाँ से, किस तरीके का उम्मीदवार चाहिए या जो पहले जो यहाँ से विधायक है या जो मंत्री है रही है कमलेश डांडा, उनका क्या रोल है फिलहाल कलायत विधानसभा में या कैथल जिले की, जो कैथल विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर लीलाराम गुजर मौजूदा विधायक हैं, उनका क्या रोल है। तो तमाम अलग अलग जो ये भास्कर का सर्वे था, इसमें 3-4 जो नाम थे उनको नाम लोगों के बीच में वो दिए गए थे और लोगों ने फिर सर्वे के आधार पर नाम भेजे। अब भास्कर ने उस चीज की पूरी अच्छे तरीके से, मतलब एक किस्म से उस सर्वे को लोगों के बीच में रख दिया है, पब्लिक कर दिया है कि अब वो कलायत विधानसभा में वो कौन सा चेहरा है बीजेपी का जो आगे चल रहा है आज की डेट में। हालांकि कैथल विधानसभा में वो कौन सा चेहरा है जो लोगों के बीच में आज आगे चल रहा है या कौन सा चेहरा बीजेपी की तरफ से मजबूत है यहाँ पर, कलायत की बात हो या कैथल की बात हो। जी अजय, बिल्कुल। तो दैनिक भास्कर, आप सभी को पता है कि देश का जाना माना अखबार है, क्रेडिबिलिटी के मामले में भी, इसके अलावा रीडरशिप के मामले में भी उसकी पठनीयता या उसकी जो पाठक संख्या है वो अच्छी खासी है, तो जनता के बीच अच्छी पैठ रखता है दैनिक भास्कर। और उसने ऑनलाइन तरीके से वो सर्वे जारी किया था जिसके माध्यम से 4-5 नाम लोगों को सुजेस्ट किए गए और पूछा गया कि इनमें से आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है या पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा हो सकता है या फिर किसे टिकट मिल सकती है। तो कलायत की हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। तो कलायत में भाजपा टिकटार्थियों के, जैसे कि उन्होंने 3-4-5 नाम गिनवाए परवीन, उनमें कमलेश डांडा क्योंकि मौजूदा विधायक है, उसके अलावा डॉक्टर सुखदेव कुंडू, एक पंडित विनोद निर्मल का नाम था, जयदीप राणा का भी शायद उनमें नाम था, तो ऐसे 5-6 नाम थे। और जिसके बाद जनता का पसंदीदा उम्मीदवार भाजपा की ओर से कौन हो सकता है उसको दैनिक भास्कर ने पब्लिक किया है उस सर्वेस को कंडक्ट करने के बाद। अब उसकी रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि डॉक्टर सुखदेव कुंडू भाजपा के पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं कलायत से, या कहें कि संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं यहां से। बिल्कुल अजय, जो भास्कर का सर्वे है एक किस्म से भास्कर को ऑथेंटिक माना जाता है और अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनकी खबरों पर संज्ञान भी लेते हैं। अगर इस तरीके से, मतलब कई बार अगर कोई चीज भास्कर पब्लिश करता है तो सरकार भी उस पर संज्ञान लेती है, सोचने पर मजबूर होती है। तो एक किस्म से भास्कर ने जो कलायत का एनालिसिस किया है, कलायत का सर्वे डाला है, उसमें 46% जो वो दिखा रहे हैं वो डॉक्टर सुखदेव कुंडू को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। कि यहाँ पर जो 46% लोग हैं जो पसंद करने वाले हैं बीजेपी की तरफ से, वो डॉक्टर सुखदेव कुंडू को पसंद करने वाले हैं। कि यहाँ पर इस बार अगर बीजेपी डॉक्टर सुखदेव कुंडू पर दाव खेलती है किस्म से, या कलायत विधानसभा से उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, तो मोटा मोटा मतलब ज्यादातर बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उनके पक्ष में है। बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने पंडित विनोद निर्मल है जो एक नून जाट चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कलायत विधानसभा में अपने आप को, वो और बीजेपी की टिकटार्थियों में शामिल हैं, वो टिकट भी मांग रहे हैं। तो कैथल बैग न्यूज ने इस बात का भी जिक्र किया था पहले कि अगर नून जाट को टिकट जाती है यहाँ से तो विनोद निर्मल का नाम पहले नंबर पर आएगा, और अगर किसी बीजेपी की टिकट किसी जाट चेहरे को आती है तो वो डॉक्टर सुखदेव कुंडू का नाम आ सकता है। हमने भी संभावना जताई थी और हमारी सेम संभावना जो जताई गई थी, हम लगातार वीडियो में चर्चा करते रहे हैं, अपने एनालिसिस में बताते रहे हैं कि क्या कारण है इनके कि इस तरीके से बीजेपी दाव खेल सकती है, तो उसी तरीके से
भास्कर ने भी उन चीजों को एकदम पुष्ट कर दिया है, सत्य साबित कर दिया है कैथल बैग न्यूज के प्लेटफॉर्म को। अगर हम मान के चले कि जिस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सेम भास्कर ने भी, वो कई बार ऐसा भी आता है कि कैथल बैग न्यूज की सारी चीजों को देख के भास्कर ने एक किस्म से ये सर्वे रख ना दिया हो, लेकिन ये तो मजाक की बात है, उन्होंने अपना सर्वे डाल रखा था। और जो मौजूदा विधायक है, पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है, हालांकि वो टिकट की रेस में बता रहे हैं कि लगातार है, लेकिन सर्वे भास्कर का ये बता रहा है कि वो तीसरे पायदान पर चली गई है। मतलब सर्वे में तीसरे पायदान पर है, उनसे ऊपर पंडित विनोद निर्मल भी हैं, जो थोड़े से ऊपर है उनसे। हाँ, 21% विनोद निर्मल को चाहा है और 16% शायद 14% कमलेश डांडा को चाहा है, जो भास्कर का सर्वे है। और सुखदेव कुंडू उनसे लगभग 3 गुना ज्यादा, 3 से भी ज्यादा, यानी कि 46 जी, मतलब परसेंट लोग उसको चाह रहे हैं। तो भास्कर का सर्वे ये कहता है, अगर सर्वे के आधार पर हम सारी चीजें देखें, तो आज कलायत विधानसभा में जो टिकट की रेस में सबसे आगे हैं, वो डॉक्टर सुखदेव कुंडू हैं, जो अगर जाट चेहरे के तौर पर हम जिक्र करें उनका। बिल्कुल। तो एक बार उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर ने अपने जो पूरे सर्वे में, इसमें एक तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों को लपेटते हुए ये बताया कि इन मुद्दों को, आपके मुद्दों को कौन ठीक कर सकता है, हल कर सकता है, या कौन इन मुद्दों में फिट बैठता है। तो उस शख्स का नाम इन्होंने बताया कि डॉक्टर सुखदेव कुंडू है। फिलहाल इनकी क्वालिफिकेशन का जिक्र कर लेते हैं कि ये एमए, इनकी एमए है गवर्नेंस और लीडरशिप सब्जेक्ट से, और पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है एमए सब्जेक्ट में। इसके अलावा एमएससी एनवायरमेंट साइंस से की है इन्होंने, इनकी पीएचडी भी एनवायरमेंट साइंस से है। इसके अलावा दिल्ली की एक नेसा संस्था है परवीन, इस संस्था ने इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया है, और अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली के आकाशवाणी भवन में भी एक एनजीओ के मार्फत इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि उस एनजीओ में ये काम करते हैं, और वो एनजीओ इसलिए इस तरह से काम करती है कि जो भी लापता बच्चे हैं परवीन, उन बच्चों को अपने परिजनों से मिलवाने का भी काम ये एनजीओ करती है। तो इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डॉक्टर सुखदेव कुंडू को सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या इनके अचीवमेंट्स हैं ये। बिल्कुल अजय, ये बात ये सही है कि जितने भी भाजपा के अंदर टिकटार्थी हैं, सबसे एजुकेटेड अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर सुखदेव कुंडू हुए हैं, ये तो मानकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो बैकग्राउंड है उनका, जो पूरा एजुकेशनल स्किल है, वो सारी चीजें से उनसे पता चलता है कि एकेडमिक उनके पास नॉलेज है, और उसके साथ साथ लोगों में भी आधार है। कुंडू, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर जो इस विधानसभा, कलायत विधानसभा में कुंडुओं का एक वोट परसेंटेज है, अगर हम मतलब 5-6 गांव पड़ते हैं जिनमें बिल्कुल, तो 15-20 के आसपास हजार वोट बैंक वो उनका है, उनसे जुड़ा हुआ, मतलब ये कह सकते हैं। अब वो वोट किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक हद तक ये मान के चला जाता है, चुनाव में ये समीकरण लगाए जाते हैं कि उस कास्ट से वो लोग आते हैं या उस गोत्र से वो आते हैं, तो लगभग उनके वोट मेरे पाले में पड़ेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बजाय एक ये फैक्टर भी चुनाव में काम करता है। तो भास्कर ने जो 46% इनको दिया है, हो सकता है वो एजुकेशनल स्किल जो लोगों ने मतलब माना हो, एजुकेशनल स्किल देखी हो, या फिर वो सारी चीजें समीकरण देखते हुए, या रोजगार की बात करें तो ये उठा सकते हैं उनके मुद्दे। तो इस तरीके से लोगों ने मतलब अपना विश्वास, हो सकता है कई सारे कारण हो सकते हैं कि जताया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जय इसमें कि जो पूर्व राज्य मंत्री या मौजूदा विधायक कमलेश ढांडा, वो तीसरे पायदान पर चली गई हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा उनके लिए ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक माना जाएगा कि वो आज मतलब जो पहले पायदान पर मानी, मतलब पहले जा रही थी, वो लगभग भास्कर के सर्वे में वो तीसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर भी बिल्कुल इस तरीके से कि उनको सिर्फ 10-12% ही वोट, मतलब माफ कीजिएगा 14% 14% मतलब लोगों ने ही वोट किया है। तो ऐसा मानकर चला जा सकता है कि अगर देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में अभी लिस्ट नहीं आई है बीजेपी की कि यहां से कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन अगर भाजपा दोबारा से कमलेश ढांडा पर दांव खेलती है तो कहीं ना कहीं भाजपा की मतलब जो उनका एक नकारात्मक रवैया है यहाँ पर, मतलब लोगों के बीच एक नेगेटिविटी है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा की, अगर भाजपा ये सीट हारती है तो वो हार का अंतर कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल। तो फिलहाल अब एक और विधानसभा सीट इसमें ऐड कर लेते हैं परवीन, जिसका सर्वे भी पब्लिक किया है दैनिक भास्कर ने, वह कैथल विधानसभा की सीट। कैथल विधानसभा से 3-4 नाम सुजेस्ट किए जा रहे थे दैनिक भास्कर के सर्वे में, और जनता से पूछा गया था कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार इनमें से भाजपा की तरफ से कौन हो सकता है। लीलाराम गुज्जर,
सुरभि गर्ग, राम प्रताप गुप्ता। बिल्कुल अजय, हमने 3-4 दिन पहले ही एक चर्चा की थी कैथल विधानसभा को लेकर के, और उसमें हमने साफ तौर पर यह बताया था कि लीला राम गुजर की चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हो, लेकिन भाजपा की मजबूरी है उनको टिकट देना, क्योंकि ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं कैथल में कि जिस पर भाजपा दाव खेल सके। अभी लगातार जिस तरीके से टिकट की रेस में लगातार लीला राम गुजर भी भाग रहे हैं, राम प्रताप गुप्ता भी दौड़ रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए। हालांकि और भी कई सारे चेहरे हैं कैथल विधानसभा में, लेकिन तमाम चेहरों के बीच, तमाम नेगेटिविटी के बीच लीला राम गुजर बस ये है कि उनके पास दिखाने के लिए एक चेहरा वही है फिलहाल भाजपा के पास कैथल विधानसभा में। बिल्कुल अच्छा, हमने चर्चा के दौरान ये बात भी शामिल की थी कि भाजपा बेशक कैथल शहर में मजबूत हो, गांव में कौन सा प्रत्याशी है या कौन सा कैंडिडेट या टिकटार्थी है जो मजबूत हो सकता है, तो उनमें हमने विश्लेषण में ये पाया कि लीला राम गुजर ही वो एकमात्र भाजपा के पास चेहरा है कैथल विधानसभा में जिनके पास गांव में भी अच्छा खासा आधार है ठीक ठाक। तो इसी बेस पे हमने कहा था कि शायद कैथल विधानसभा के अंदर भाजपा की मजबूरी है कि लीला राम गुज्जर पर वो दाव खेले। बिल्कुल अजय, ये बात हमने जिक्र किया था कि अगर गांव में किसी भाजपा नेता की पकड़ है तो वो लीला राम गुज्जर से ज्यादा किसी की नहीं है हाल फिलहाल में तमाम। हालांकि कैथल विधानसभा में विकास कार्य उस तरीके से नहीं हुए पिछले 5 साल में, हमने ये पहले भी जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद भी लीला राम गुज्जर ही गांव में मजबूत है। शहर में हालांकि भाजपा बेशक मजबूत हो, लेकिन गांव में एकमात्र नेता वही है जिनकी पैठ है, मतलब एक हद तक। तो भास्कर ने भी सेम वही चीज डाल दी कि लीला राम गुजर ही पहले नंबर पर हैं आज की डेट में, तमाम नेगेटिविटी के बाद भी भाजपा के पास वही एक चेहरा है जो आगे कर सकते हैं भाजपा। एक बार वोटिंग प्रतिशत का एक बार जिक्र कर लेते हैं, कितने लोगों ने जो है 33% लोगों ने लीला राम गुजर को कैथल विधानसभा में पसंद किया है एज ए टिकटार्थी, और सुरभि गर्ग को 27% लोगों ने पसंद किया है। इसके अलावा राम प्रताप गुप्ता तीसरे नंबर पर 16% लोगों ने इन्हें पसंद किया है। बिल्कुल अजय, ये तमाम भास्कर के सर्वे हैं, भास्कर ने डाल रखा था। अब रियल में समीकरण क्या होंगे वो तो टाइम ही बताएगा, टिकट किसको मिलेगी, कैथल से किसको मिलेगी, कलायत से किसको मिलेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, या पार्टी में जो भी चर्चा है जिसको भी मिलेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक हद तक हमारा कहने का मतलब ये था कि जो एनालिसिस कैथल बैग न्यूज की टीम लगातार पिछले लंबे समय से करती रही है और जो स्टिक विश्लेषण हमने किया है कलायत विधानसभा को लेकर हो या वो कैथल विधानसभा को लेकर हो, सेम भास्कर जो काफी मतलब अव्वल दर्जे का अखबार माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, सेम चीज उन्होंने भी वही कही जो कैथल बैग न्यूज पिछले लंबे समय से कहता आ रहा है। मतलब कैथल बैग न्यूज पिछले लंबे समय से ये बात वीडियो के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, अलग अलग तरीके से बताता आया है अपनी ऑडियंस को, अपने हल्के विधानसभा के लोगों को, लेकिन भास्कर भी आज वही स्टैंड कर रहा है, वही खड़ा है। बिल्कुल कैथल बैग न्यूज से बिल्कुल मिलता जुलता उनका सर्वे है। बिल्कुल, तो हमारे एनालिसिस को एक तरीके से पुष्टि मिली है, और आपका भी क्या मानना, आप लगातार कमेंट करते रहिए, बताइए कि आपके विचार क्या है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रत्याशी होंगे, या कलायत विधानसभा की बात हो या फिर कैथल विधानसभा की बात हो, कि जो भाजपा हाईकमान है वो इन्हें ही टिकट देगा, ये बात हम नहीं कह रहे। लेकिन भाजपा, माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसमें पूछा गया था कि ये टिकटार्थी हैं और इनमें से आपका पसंदीदा टिकटार्थी कौन सा है, तो आम जनता ने वोटिंग के जरिए, ऑनलाइन वोटिंग के जरिए बताया कि कलायत के अंदर डॉक्टर सुखदेव कुंडू भाजपा के अंदर आपका पसंदीदा प्रत्याशी है। इसके अलावा आपने कैथल के अंदर बताया कि लीला राम गुज्जर आपका पसंदीदा प्रत्याशी है। फिलहाल आपका इस चर्चा को लेकर क्या मानना है, कमेंट में राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय से ही एक तर्क बनता है और हमारे अंदर भी जो विचार हैं वो परिपूर्ण होते हैं। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद, शुक्रिया।